सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर फिजिक्स में शुरू करने वाले हैं, साउंड। हम लोग दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं, एक खत्म किया है फोर्स, दूसरा खत्म किया है फ्रिक्शन। आगे बढ़ते, टुडेज डेट इज 14th जुलाई, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज साउंड। ठीक है, अगर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बोलूं तो ये चैप्टर आपको अगले साल 9th में भी पढ़ना होगा और आपको ये 11th में भी जाके पढ़ना होगा। तो साइंस की बात करें, साइंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये साउंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद साउंड। साउंड है क्या? लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। कोई मुझे बता सकता है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद साउंड? साउंड के का मतलब आपके लिए क्या होता है? एवरीवन, यू कैन रिप्लाई ऑन चैट, चैट में बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय साउंड। साउंड अगर कोई शब्द साउंड यूज करता है तो आप इसका मतलब क्या समझते हो? एक तो आवाज है, दूसरा हियरिंग समथिंग, दूसरा किसी ने बोला वॉइस, अपर मैन ने बोला मैकेनिकल एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन, वेरी गुड अपर मैन। एनीथिंग विच कम्स इन आवर ईयर, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मैंने कहा है मैकेनिकल वाइब्रेशन। सेंसेशन रिसीव्ड बाय ईयर, अगला क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। साउंड ऑफ मशीन व्हीकल रेडियो, वाइब्रेशन, सेंसेशन ऑफ वेव। बहुत से टर्म्स आप लोगों ने यूज किया, बहुत से टर्म्स यूज किए। सबसे जो मेरे लिए पहला चीज दिमाग में हिट करता है वो क्या होता है? वो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? दूसरा आदित्य, बिल्कुल वो आगे की चीज है हमारे लिए। दूसरा जो चीज हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है कि इसी की वजह से हम कोई चीज सुन पाते हैं, तो इट ऑल्सो गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सेंसेशन ऑफ हियरिंग। जैसे लाइट जो होता है वो क्या करता है? देखने की एबिलिटी देता है। उसी तरीके से साउंड जो होता है वो सुनने की एबिलिटी देता है। हम कह सकते हैं सेंसेशन ऑफ ये दूसरा हो गया। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं, साउंड ने बोला है कि साउंड चेंजेस अ लिटिल बिट, तरुण ठीक है, देखते हैं। अमृत बोला था साउंड इज वाइब्रेशन आल्सो, बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक साउंड का डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिख सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सब लोग लिखिए इसको। साउंड का डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो ओवरऑल डेफिनेशन अगर हम जो बनाएंगे वो क्या होगा? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो सुनने की एबिलिटी देता है, दैट इज कॉल्ड साउंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है? लिख लिया तुमने? जल्दी सब लोग नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा साउंड के बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर साउंड बनता कैसे है, साउंड आखिर कैसे इसको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। एनर्जी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आप जानते होंगे कि जो एनर्जी होती है कोई भी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
एनर्जी जो होती है ना, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन बी, इट कैन जस्ट बी, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर. इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? मैंने बोला कि साउंड बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है. ठीक है, साउंड इज अ, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं. जल्दी से 30 सेकंड देता हूं, जल्दी से इसको लिख लें सब लोग. टेक 30 सेकंड्स एंड एवरीवन नोट दिस डाउन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं साउंड को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सेंसेशन मींस क्या होता है? सेंसेशन का मीन मतलब होता है अमृत फील करना. किस चीज को सेंसेशन का मतलब होता है? किसी चीज को फील करना. तो अब हम बात करने वाले हैं साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखते हैं क्या होता है साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एज अ साउंड के बाद साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखते हैं क्या होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी एक एक करके देखिए. देखते हैं हम लोग. मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक बेल यूज कर रहे हो. इलेक्ट्रिक बेल. आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक बेल को आप चलाने के लिए कौन सी एनर्जी देते हो? बताओ कौन सी एनर्जी लगती है इलेक्ट्रिक बेल को चलाने के लिए? विच एनर्जी यू यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिक बेल? इलेक्ट्रिक बेल को क्या करते हो? क्या उसके लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो? क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो? क्या? वेरी गुड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब आप देते हो तो एंड में वो किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको? साउंड एनर्जी में. यानी साउंड तभी आएगा जब कोई ना कोई एनर्जी कन्वर्ट होगा. अपने आप साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा बिना एनर्जी लगाए हुए. आगे देखते हैं. आप बताओ मान लीजिए कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं. मान लीजिए कि हम तबला बजा रहे हैं. तबला में बताइए कौन सी एनर्जी लगती है हमारी? तबला बजाने में कौन सी एनर्जी लगेगी बताओ बच्चों? वेरी गुड. सबने कहा मस्कुलर एनर्जी. किसमें कन्वर्ट हो गया ये? साउंड एनर्जी में. क्लियर है? और एग्जांपल बताओ. और बताओ कोई एग्जांपल. उत्कर्ष ने हैंड रेज किया है. उत्कर्ष बोलिए. बोलिए उत्कर्ष. सर मस्कुलर फोर्स ना होता है कि मस्कुलर एनर्जी होता है. मस्कुलर एनर्जी भी हो सकता है. इसको हम लोग, मैंने बताया था आप लोगों को, इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं. मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है? एनीवन एल्स कोई और एग्जांपल दे सकता है एनर्जी कन्वर्जन का? कोई और एग्जांपल दे सकता है एनर्जी कन्वर्जन का? कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्लैपिंग एग्जाम्पल दिया है. क्लैपिंग. यहां कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है बोलिए? क्लैपिंग. अगला एग्जाम्पल दिया है. एक और एग्जाम्पल है बाइक्स हॉर्न.
बाइक्स हॉर्न, और कोई एग्जांपल दो किकिंग या फुटबॉल की एग्जांपल हो सकता है क्या अभी, कि फुटबॉल को किक करने में ऐसी कौन सी आवाज आ जाती है? एयर कंडीशनिंग फैंस ब्लास्टिंग अ बॉम्ब, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टिंग अ बॉम्ब कह सकते हो बॉम्ब। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा सबसे पहला क्लैपिंग है, क्लैपिंग में अगेन मैकेनिकल एनर्जी ये रहेगा, हम मेहनत कर रहे हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इंटू साउंड एनर्जी। बाइक का हॉर्न, बाइक के हॉर्न में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, बाइक के हॉर्न में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज कन्वर्टिंग इंटू साउंड। साउंड आगे बताइए बॉम्ब, बॉम्ब में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बोलो बॉम्ब में कौन सी एनर्जी, वेरी गुड अनय, अनय ने कहा है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इंटू क्या, साउंड। इज इट क्लियर, क्या इज इट क्लियर, श्रेया ने हैंड रेस किया है, बिल्कुल सही है कौशिक, श्रेया आपका हैंड रेस हट गया है तो आपको डाउट क्लियर हो गया। चलिए और बताइए कुछ एनर्जी कन्वर्जन का, क्योंकि जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा हमेशा कोई ना कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा तभी प्रोड्यूस होगा, क्लियर है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपर मैंने कहा टॉकिंग, टॉकिंग में अगेन हमारी एनर्जी लग रही है। वॉटर फॉल, अगेन वॉटर के फॉल करने से मैकेनिकल एनर्जी होता है। एयर देन ब्लो फास्ट, एयर देन ब्लो फास्ट, बिल्कुल सही है। विंड एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू साउंड एनर्जी, श्रेया ने कहा शाउटिंग, शाउटिंग में अगेन मस्कुलर एनर्जी लग रही है, मैकेनिकल एनर्जी लग रही है। ये सब एग्जांपल जो है, ये सब एग्जांपल वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टू अनदर है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूर्णिमा ने कहा प्लेइंग पियानो, अगेन हमारा मैकेनिकल एनर्जी है कन्वर्टिंग इंटू साउंड एनर्जी, बिल्कुल। अनय ब्लास्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ये भी एक तरीके से हीट एनर्जी कन्वर्टिंग इंटू कन्वर्टिंग इंटू साउंड एनर्जी, वॉटर स्ट्रीम। तो चलो सारे एग्जाम्पल हो गए, यही सारे एग्जाम्पल से जिसमें हम क्या देखते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। स्प्लैशिंग, परेड, जितने भी चीजें, मोस्टली इसमें हमारा मैकेनिकल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रहा है साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इन सब केसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इंटू साउंड एनर्जी। लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या कह सकते हैं कि हीट एनर्जी कन्वर्टिंग इंटू साउंड एनर्जी। Is it clear to all of you? क्या सबको ये क्लियर हो गया कि साउंड इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट होकर के बना हुआ है। मान लीजिए हमने इस टेबल को जोर से हिट किया, तो टेबल को हिट किया जोर से, इसका मतलब क्या है कि टेबल पे हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी दी, यही मस्कुलर एनर्जी क्या हो गया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? How one form of energy converts into another form of energy. और इसी के साथ थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे production of sound. How sound is produced? ठीक है? तो सबसे पहले sound produce करने का जो सबसे main reason होता है, वो होता है sound is produced due to vibration of an object. Clear है? Sound जो produce होता है, वो एक vibration की वजह से produce होता है. तो आपके मन में एक वाजिब सवाल आता है, प्रत्युष पीयूष ने एक सवाल पूछा है कि सर इसका मतलब है कि साउंड रिक्वायर्स एनर्जी टू प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है पीयूष, बिल्कुल सही कंक्लूजन। अने लिखने का टाइम दिया था, नहीं लिख पाए हो तो बोलो, मैं टाइम दे देता हूं। क्या पीछे का मिस हो गया लिखने के लिए? पैक कर दीजिए, चलो लिख लो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। मैंने स्टार्टिंग में जो लाइन लिखा था, देख लो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। साउंड भी एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे ये बाकी सब एनर्जी है। इट कॉजेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर इयर्स, साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद, सिंपल पॉइंट है। शशांक ने पूछा है कि सर साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, सर शशांक साउंड
मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट हाँ इसका आंसर होगा यस। बिल्कुल उत्कर्ष, इसका पीडीएफ और वीडियो सब मिल जाएगा आपको। बिल्कुल पीयूष, एयर भी एक मीडियम है। पूरा लिखिए सब लोग, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी के, जहां पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जल्दी नोट डाउन करें सब लोग। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हम बात करने वाले हैं अपने आज के मेन टॉपिक और पहले बड़े टॉपिक के, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड के प्रोडक्शन के बारे में। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला सवाल आता है वाइब्रेशन क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं वाइब्रेशन किसको कहते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एक बार इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। मान लीजिए ये P है और ये Q है और ये क्या है, वो है। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी अगर इस P और Q पॉइंट के बीच ये क्या कर रहा है, बार बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेशनल। एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने पेंडुलम ले लिया। अब ये पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम कभी एक बार इधर जाता है फिर दूसरे ऑपोजिट साइड जाता है। इसको भी कह सकते हैं हम लोग क्या, वाइब्रेशनल मोशन। याद रखिएगा इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, वाइब्रेशन का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजिशन। मीन पोजिशन और इसको कहते हैं हम लोग एंड्स को एक्सट्रीम पोजिशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्या होता है, हमारे पास वाइब्रेशन में दो तरह का पॉइंट होता है, एक होता है मीन पोजिशन, दूसरा होता है एक्सट्रीम पोजिशन। बिल्कुल सही है। मतलब कोई बॉडी क्या करता है, पहले कोई बॉडी कैसे मूव करेगा, तो पहले वो क्या जाएगा, मान लीजिए मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर एक्सट्रीम जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वहां से घूम के क्या आएगा, मीन आएगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अब गौर से देखें, इसको कहते हैं हम लोग वन साइकिल, एक साइकिल कहते हैं। याद रखिएगा एक साइकिल होता है वाइब्रेशन का, जब एक बॉडी से शुरू किया, फिर टू गया, फिर फ्रो गया, फिर टू आया। क्लियर है? तो अगर वाइब्रेशन को डिफाइन करने को कोई कहे, तो वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन of an object at central position. It is also referred to as oscillation. इसको oscillation भी हम लोग कह सकते हैं। Clear है क्या? जल्दी लिखिए सब लोग। Sound is produced due to vibration of object. और vibration क्या होता है? Vibration होता है कोई body अपने mean position के up and down move करता रहे। Clear है? Is it clear to all of you? Mean position. अब इसका mean position क्या होगा? इसका mean position कुछ यहाँ होगा। इसका extreme position क्या होगा? कुछ यहाँ होगा। This will be its extreme position. एक सवाल है। श्रेणी का repeat कर, श्रेणी repeat कर रहा हूँ। Sir, when the clock runs a sound in produced TikTok type, sir, उस sound के production में कौन सी energy लगती है? फिर battery से energy लगती है ना? Electrical energy लग रहा है। ठीक है, कौशिक ने बोला टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है। टू और फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। ठीक है, टू और फ्रो होता है एक तरीके का, आगे एंड पीछे के वर्ड को लिखते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर है? एक सवाल पूछा है श्रेया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। श्रेया देखिए, श्रेया मैंने कहा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन एक्चुअली होता क्या, कोई बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या, वाइब्रेट करने का मतलब है कि वो बॉडी एक पॉइंट के अबाउट आगे और पीछे मूव कर रहा है।
दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन, ठीक है, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, एक ही पाथ पे क्या करो, आगे जाओ फिर पीछे आओ, पीछे जाओ फिर आगे जाओ, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन, इज इट फाइन। पूर्णिमा ने बोला है कि सर टू एंड फ्रो मोशन नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशन, याद रखिएगा पूर्णिमा, टू एंड फ्रो मोशन हमेशा ही साउंड प्रोड्यूस करेगा। अने ने पूछा है सर इज मीन पोजिशन फिक्स, बिल्कुल अने, ये मीन पोजिशन फिक्स है, मीन पोजिशन फिक्स है और एक्सट्रीम पोजिशन भी फिक्स है। सर बोलने में भी तो टू एंड फ्रो बिल्कुल हो रहा है, वो बताऊंगा कैसे, ह्यूमन वॉइस कैसे निकलता है, ह्यूमन वॉइस कैसे निकलता है इसके बारे में अलग से बताएंगे। अने बोलिए, अने आपने हैंड रेस किया था, यस सर, तो अलग अलग पोजीशंस पे मेन पोजीशन होगा, मान लीजिए अगर हम बात में ले लेते हैं पेंडुलम को, और फिर से बोल रिपीट कीजिए क्या सर, अलग अलग पोजीशंस पे ना मेन पोजीशन हो सकता है, मतलब मैं हाथ का अगर मैं हाथ में पेंडुलम ले लेता हूँ और अलग अलग डायरेक्शन पे उसे टू एंड फ्रो मोशन करता हूँ तो मेन पोजीशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा वो नहीं हुआ, नहीं, मेन पोजीशन उसको कहते हैं जहाँ पे वो एंड में रुक आके रुक सकता है, ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स क्या हो मेरा जीरो, उसको कहते हैं मीन पोजीशन, याद रखिएगा मीन पोजीशन उसको कहते हैं जिस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो हो जाए, याद रखिएगा मीन पोजीशन का मतलब होता है ये बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए, मीन पोजीशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यही होता है मीन पोजीशन, क्या सबको क्लियर है, मोबाइल भी वाइब्रेट करता है बिल्कुल भी करता है, ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया कि आखिर साउंड प्रोड्यूस कौन करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है एक वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या होता है प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखा जाए साउंड के प्रोडक्शन का, कुछ हमको एग्जाम्पल्स देखना चाहिए, देखते हैं हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर एक साउंड प्रोडक्शन का एग्जांपल देखें तो हम लोग बात करते हैं अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, देखिए हो क्या, एक रबर बैंड को देखिए हो क्या, एक रबर बैंड को दोनों तरह से फिक्स कर दो, मान लो मतलब फिक्स कर दो और मान लो इसको हल्का सा इसको खींच करके छोड़ दिया, क्या होगा, ये वाइब्रेट नहीं करेगा क्या, क्या ये वाइब्रेट नहीं करेगा, क्या ये वाइब्रेट नहीं करेगा, क्या ये साउंड साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्लियर है। तो मैंने बोला कि स्ट्रेच्ड रबर रबर बैंड व्हेन प्लग्ड वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड, स्ट्रेच्ड रबर बैंड को जैसे ही छोड़ोगे वो क्या होगा, वो अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑक्सिलेट करना शुरू कर देगा। बात करते हैं ना गिटार के बारे में, अलग से बात करेंगे, क्या आपको ये क्लियर है, कभी रबर को नहीं देखा होगा, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को, आई एम जस्ट शोइंग यू सम एग्जाम्पल ऑफ रबर, जस्ट गिव मी 30 सेकंड बच्चों, 30 सेकंड आप मुझे दीजिए। चलो बच्चों देखो, देखिए बच्चों ये क्या है, रबर है, अगर मैं हल्का सा प्लग कर दूं तो क्या होगा, आवाज प्रोड्यूस होगा क्या, क्या आवाज आ रही है क्या, देखो एक बार, आप लोग तक नहीं पहुंच रही होगी शायद, हल्का सा इसको छोड़ेंगे छोड़ेंगे ये क्या करेगा, एक आवाज प्रोड्यूस करेगा। तो कहीं भी अगर हम लोग एक स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स्ड है और बीच में आराम से बैलेंस कंडीशन में है, लेकिन अगर इसको हम डिस्टर्ब कर देंगे, इसको हल्का सा पुश करके छोड़ देंगे, क्या करेगा ये, एक तरीके से एक वाइब्रेशन करेगा जिसके वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, आवाज प्रोड्यूस होता है। इज दिस क्लियर, ठीक है, तो ये एक बड़ा एग्जांपल है स्ट्रेच रबर बैंड व्हेन प्लक वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, क्लियर है क्या, सब लोग लिखिए पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखिए, पहला एग्जांपल है ये, एक रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसपे साउंड प्रोड्यूस होगा। शुभम ने बोला है कि सर स्टेशनरी रबर, देखो रबर तो स्टेशनरी है, बस रबर की खासियत क्या होनी चाहिए, स्ट्रेच्ड होना चाहिए, रबर बिल्कुल क्या होना चाहिए, टाइटली हेल्ड होना चाहिए, ठीक है,
बस अगर इसको आप थोड़ा प्लग कर दोगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लग कर दोगे हल्का सा, थोड़ी सी आप एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे, तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। क्लियर है? ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। सबका ध्यान म्यूजिक को लेकर के था कि सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं। तो याद रखिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली दो ही तरह के हैं मेरे लिए। एक पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जनरली आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व करते हो तो क्या मिलता है आपको, आपको स्ट्रिंग मिलता है। ये आपको क्या मिलता है, टाइटली हेल्ड स्ट्रिंग, टाइटली हेल्ड स्ट्रिंग। आपको क्या मिला, स्ट्रिंग मिला। ठीक है, आपको क्या मिला, स्ट्रिंग मिला, जस्ट वन स्ट्रिंग मिला। ठीक है, उसको क्या किया, दो पॉइंट के बीच फिक्स करके बांध देते हैं। फिर जैसे ही उसको प्लग करते हैं, क्या आवाज प्रोड्यूस होती है, क्या क्या आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या क्यों, कैसे आपका गिटार कैसे बजता है, गिटार को हल्का सा भी हिट करते हो तो क्या करता है वो, स्ट्रिंग्स क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। जस्ट गिव मी 30 seconds, मैं अभी लाख अभी आपको गिटार बजा के दिखाता हूं। शांत, तो अब थोड़ा सा हम लोग इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी लाते हैं क्या, बोलिए, देखा जाए क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, सी इस, देखते हैं कैसे बजता है ये, चलो मजा आएगा। गिव मी 30 seconds। चलो बच्चों देखते हैं। सो आई एम वेरी बैड एट, ये मेरा नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, ये आपके आशीष सर का। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है गिटार, दिख रहा है सब लोग गिटार में स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं। क्या वाइब्रेट करता हुआ दिख रहा है सब लोग? मैं बजाने वाला नहीं हूं, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम मी, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करें नहीं आप मुझसे, मुझसे बस इतना एक्सपेक्ट करें कि क्या आपको दिख रहा है स्ट्रिंग, और क्या दिख रहा है कि प्लग कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या कर रहा है, जब स्ट्रिंग को प्लग करके छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है। ज्यादा प्लग करोगे, ज्यादा खींच के छोड़ोगे तो ज्यादा आवाज साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है क्या, हो गया ना प्रोडक्शन ऑफ साउंड? बोलो, मैं कॉन्सर्ट तो करने वाला नहीं हूं, चलो समझ में आ गया। तो आपको एक बहुत बड़ा जो हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्लब है वो क्या है, स्ट्रिंग बेस्ड है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाले होते हैं। एग्जांपल बताओ जल्दी जल्दी, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताओ जल्दी जल्दी। चलो हो गया, हो गया, गिटार बज गया बहुत ज्यादा। किसी ने तबला कहा है, तबला में कौन सा स्ट्रिंग बजा दिया भाई, लगा दिया, चलो हो गया। तो एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग वाले, स्ट्रिंग वाले एग्जांपल लेते हैं गिटार, और बताओ वायलिन, सितार, और बोलो वीणा, और कोई, और कोई होता है क्या, बोलिए संतूर, ये मैंने नाम बहुत दिनों के बाद सुना, ये संतूर, और बताओ रबाब, बैंजो, बैंजो बैंजो आई थिंक, अच्छा ये कहीं से छापा ही है कौशिक में, कहीं से तो आशीष ने कौशिक ने छापा है बैंजो, बैंजो ये वर्ड थोड़ा कॉमन है इसलिए मैं लिख देता हूँ। रबाब, रबाब अब छोड़ो, इतना इतना वर्ड याद रहेगा नहीं,
अच्छा बुक से, चलो तो क्या सबको क्लियर है? साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हमने एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट कौन सा देखा? हमने एक इंस्ट्रूमेंट देखा जो स्ट्रिंग वाले होते हैं। इज दिस क्लियर? ये स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बेस्ड। लेकिन आप तो जानते हो, आप तो जानते हो कि एक तरह का और होता है, एक तरह का और होता है जिस सरफेस को हिट करते हैं तो वो सरफेस वाइब्रेट करता है, होता है ना तबला। एक और देखा है क्या? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को यूज करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं तबले में, क्या होता है? हम लोग तबले में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को यूज करते हैं, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इस पे हम लोग क्या करते हैं? चलो तबला अच्छा बनाया ना, ठीक है, देखते हैं इस तबले में कैसे काम करता है। तो तबले में हम इस सरफेस को क्या कर देते हैं? स्ट्रेच्ड कर देते हैं, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं। फिर जैसे ही उसको हिट करते हैं वो क्या करता है? वो वाइब्रेट करने लगता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। तबला एग्जाम्पल बताओ, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाले कौन से होंगे? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाले कुछ एग्जांपल बताओ। स्ट्रेच्ड सरफेस कौन कौन सा एग्जांपल है? पहला तो ढोलक आया, चलो ठीक है ढोलक, ढोलक। और बताओ कौन सा होगा? ड्रम। और बताओ, तबला लिख सकते हो, तबला। और बताइए, और बताइए, ढोलक, ड्रम, तबला। और नहीं, ढोल हो गया, कितनी बार करोगे? ढोलक ढोल एक ही होता है। और बताओ, नगारा, वेरी गुड, नगारा। और बताओ, और क्या बताओगे? अब बिगर वन, व्हाट, ये क्या है? नहीं, बिगर वन। सो मान लीजिए, इसका भी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये ढोलक है, इसका सरफेस है, सरफेस को जैसे ही हिट करते हैं तो ये क्या करता है? वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। अच्छा एक बढ़िया एग्जांपल दे, डमरू, डमरू। चलो हो गया, क्या क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शशांक, रेन स्टिक, पता नहीं यार रेन स्टिक क्या होता है। क्या सबको दो तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर है क्या? एक एक पहला वाला जो था वो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से होता था, दूसरा होता है स्ट्रेच्ड सरफेस के वाइब्रेशन की वजह से होता है, और एक तीसरा भी होता है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम की वजह से। उत्कर्ष, हैंड रेज किया, उत्कर्ष बोलिए। थ्री वाइब्रेशन की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं सर, उनमें जो मटेरियल के जैसे तो वो कौन सा मटेरियल होता है? क्योंकि सारे मटेरियल्स तो ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ही परफेक्ट मटेरियल्स होंगे इनके लिए। उसके लिए हम लोग अलग मटेरियल यूज करते हैं, ऐसा मटेरियल जो जिसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी हो। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? क्योंकि उसको आप थोड़ा सा जैसे ही हिट करोगे तो वो क्या करेगा? वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो मटेरियल विद हायर इलास्टिक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, ठीक है। अन्य हैंड रेज किया, अन्य गो अहेड। बाकी लोगों, काफी लोगों ने चैट में कुछ डाला है। शहनाई वो देख, वो मैं बताता हूँ आपको। अन्य अनम्यूट कर रहा हूँ, अन्य डाउट है क्या? एक अपर में ने सवाल पूछा है कि सर मैकेनिकल गिटार, मैकेनिकल क्यों? अपर में इलेक्ट्रिकल गिटार भी तो होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑपरेट करती है उसको, उसके स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट कराती है और इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला आता है आपको, अगला आता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम। ये तीसरा डिवाइस है, तीसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अपना, ठीक है। संतूर के बाद क्या लिखे हैं? बैंजो। संतूर के बाद सुसांग लिखा हुआ है बैंजो, क्लियर है। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम वाला देखते हैं, ये याद आ रहा है किसी को? क्या होता है ये?
ये क्या होता है बच्चों? शहनाई। चलो बहुत बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। क्या होता है इसमें? सबसे पहला होता है फ्लूट यानी बांसुरी, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? फ्लूट। अगला क्या होता है? शहनाई। और क्या होता है? फ्लूट, शहनाई और बोलो जर शादी में बजता है। हाँ ठीक है, कोई और याद है क्या? कोई और जो सिर्फ ऑपरेट करता हो, हुक करके इसको बजाते हो? शंख, वेरी गुड, शंख, दैट्स इट। चलो इतना ही। विसल, एक और एग्जांपल दिया, विसल। विसल सीटी उसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो कुल मिला के कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, इसको जब हम लोग फूंकते हैं तो उसके अंदर में जो एयर फील्ड होता है उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट इज दैट एग्जांपल। एग्जांपल से क्या है? फ्लूट है, शहनाई है, शंख है, विसल है, ठीक है। तो एक है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम की वजह से, एक है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। और लास्ट है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की वजह से। तीन तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जनरली हमारे पास मौजूद हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स की वजह से। क्या सबको ये बात समझ में आई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली? तानपुरा छोड़ो, अब कितने कितने इंस्ट्रूमेंट बजाओगे? अब मैंने गिटार बजाई दिया, और क्या चाहिए? चलो, तीन इंस्ट्रूमेंट हमने देखे, तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट देखे। क्या सबको ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट क्लियर है क्या? चलिए, ग्रामोफोन, हाँ पर मैं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल देते हैं। ये नॉर्मल एग्जांपल है तीसरा वाला, कि व्हेन अ स्पून इज बीटन ऑन द प्लेट इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस साउंड। ये करके दिखाऊं क्या? ये तो खुद से ही कर लोगे, ये तो आप खुद से ही कर लोगे। जब एक स्पून को प्लेट पे हिट करते हैं तो फिर वो भी क्या करता है? वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कहीं तो उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे भी यूज कर लेते हैं कहीं हम लोग, ठीक है। पुराने जगहों पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे उन बर्तनों का भी यूज हम लोग करते थे, ठीक है। अब नहीं करते हैं, अब ना करेंगे। तो थर्ड है, व्हेन अ स्पून इज बीटन ऑन द प्लेट इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस साउंड। क्लियर है? एग्जाम्पल देता हूं। हियर इज वन ग्लास, हियर इज माई वॉच। हो सकता है ना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? क्यों? क्योंकि मैं हिट कर रहा हूं इसको, हिट कर रहा हूं तो ये ग्लास क्या हो जा रहा है? वाइब्रेशन में चला जा रहा है। क्लियर है? चलो, ये एग्जांपल भी हो गया। थर्ड लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए इसको। हाँ, शशांक ने कहा, मोदी जी ने कहा था लॉकडाउन में थाली बजाने के लिए। मोदी जी ने लॉकडाउन में थाली तो बजवाया ही था। सो पीयूष ने पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इज देयर एनीथिंग प्रेजेंट फ्रॉम विच साउंड कांट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बताओ कोई एग्जांपल। कुछ नहीं यार, हर चीज को हिट करोगे, थोड़ा कोई तो कोई थोड़ा वाइब्रेट करेगा, कोई ज्यादा वाइब्रेट करेगा, पर सब कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? क्या सबको ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड के एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? आप एनर्जी लगाओगे कहीं भी बॉडी पे और वाइब्रेशन हो गया तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अने ने हैंड रेज किया, अने गो अहेड। तो क्या दो बहुत सॉफ्ट सरफेसेस को एक साथ हिट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा? अब आप कह सकते हो कि जब दो सॉफ्ट सरफेसेस को करेंगे ना
तो एक्चुअली एक दूसरे को प्रेस कर देंगे और वाइब्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। बट मैं एक जनरल केस बोल रहा हूँ, कि जनरली साउंड प्रोड्यूस कम होगा, हम क्या मानेंगे, कम से मानते हैं, बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा होगा, पर जीरो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दो बॉडी अगर हिट करेंगे, थोड़ा भी अगर उनमें हार्डनेस होगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा में थोड़ा साउंड प्रोड्यूस कर ही देगा, ठीक है। एग्जाम्पल दो, आप घर पे कभी बदमाशी करते हो तो कोशिश नहीं करते हो कि स्लीपर को उठा करके आराम से चले ताकि घर में पकड़े ना जाए, पिटाई कम पड़े। दो एयर फिल्ड बैलून दोनों बहुत लाइट है, तो यू कैन एक्सपेक्ट नो साउंड विल बी प्रोड्यूस, और यू कैन से अ वेरी वेरी लो साउंड हैज बीन प्रोड्यूस, है ना। चल क्लियर है, दो कॉटन को रब करेंगे, दो फूल को फेंकेंगे दूसरे की तरफ, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां साउंड कम या ना के बराबर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ऊपर के दो एग्जांपल्स बाकी है, कौन से एग्जांपल्स लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लीजिए आप लोग, जल्दी लिख लें इसको, अपर मैं लिख लिया जल्दी से, इंस्ट्रूमेंट्स हमने सारे कर लिए हैं, आज हमारा फोकस मेनली प्रोडक्शन ऑफ साउंड पे ही रहेगा, और अब लास्ट पे आते हैं हम लोग, हम अपने ह्यूमन साउंड पे। अरे आपने फिर से हैंड रेज किया कि डाउट है क्या, अमृत कह रहा है सर कहूत करवाइएगा, अमृत कहूत कराऊंगा पर ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं, लास्ट स्लाइड है अपना, ठीक है चलिए आगे बढ़ते, लास्ट है ह्यूमन साउंड। ह्यूमन साउंड कैसे काम करता है, ठीक है, देखो इसको स्टेटमेंट वाइज कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ह्यूमन साउंड में बहुत क्लियर है कि हमारे, अगर इसको समझना चाहते हो ह्यूमन साउंड को, तो हमारे गले में क्या होता है, एक कॉर्ड टाइप पास होता है, ठीक है, जो दोनों तरफ से टाइटली हेल्ड होता है, और साथ साथ उसके एक एयर कॉलम भी होता है। जैसे ही हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो जब हम बोलना चाहते हैं तो एयर का फ्लो हमारे माउथ के थ्रू होता है। जब एयर का फ्लो हमारे माउथ के थ्रू होता है तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि एक तो हमारा एयर कॉलम भी वाइब्रेट करता है, और दूसरा हमारा जो स्ट्रेच्ड वायर विंड पाइप है वो भी क्या करता है, वो भी वाइब्रेट करता है। इन दोनों वाइब्रेशन की वजह से हमारे गले से साउंड प्रोड्यूस होता है, क्लियर है। तो अगर कोई पूछे कि इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज वाइब्रेशन ऑफ हिज वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंक्स, हमारे अंदर ना एक वॉइस बॉक्स होता है, इसको हमने नाम क्या दिया है, लैरिंक्स नाम दिया है। इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा, ठीक है। 8th में आपको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में डायग्राम देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो साउंड जो होता है ह्यूमन साउंड का सिंपल सी बात होती है कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी पहले तो कन्वर्ट हो जाता है साउंड एनर्जी में, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमारे गले में क्या होता है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे गले में क्या होता है कि एक वॉइस बॉक्स होता है, या कह सकते हो लैरिंग्स होता है, क्लियर। इट इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप के अपर एंड पे सिचुएटेड होता है। देयर आर टू स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स attached in the larynx, which narrow slit between the passing air, ठीक है। अगर इसको थोड़ा समझना है आपको, तो एक हमारे पास क्या है, विंड पाइप है गले में, हमारे क्या होता है, एक विंड पाइप होता है जो हमारे एक्चुअली एयर को पास करने देता है। शशांक बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हमारे, अगर हम इसको गौर से देखें, तो हमारे विंड पाइप में अगर गौर से देखें तो क्या हो रहा है, साउंड जो एयर जो होता है वो पास करता है। अब ये एयर जो पास करता है, इसी के वजह से क्या होता है कि हमारे लैरिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं।
इसी ईयर की वजह से और हमारे गले से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्लियर है। तो जिसको साफ साफ इन सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लीजिए, सब सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लीजिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है गले का, ठीक है, गले का पूरा स्ट्रक्चर है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप एंड और क्वालिटी ऑफ साउंड। सारा कुछ वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं और कोई डाउट है तो। नयन मैं आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं इसको। आई लेट मी लुक एट सम ऑफ द एनिमेशंस, कुछ मैं और बड़ा फिगर दिखाने की कोशिश करता हूं इसको लेकर, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कर लें आप लोग, लेट मी चेक इफ देयर एनी एनसीईआरटी में ओपन करके देखने की कोशिश करता हूँ, इफ आई कैन फाइंड समथिंग इन एनसीईआरटी। बड़ा डायग्राम, ये डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो। लेट मी गिव मी 30 सेकेंड्स, आप तब तक नोट कर लें सब लोग। ठीक है, आप लोग जल्दी से लिख लो इसको, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक थोड़ा एक अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आपके लेवल से ज्यादा होगा लेकिन आपको समझ में जल्दी आएगा। जल्दी नोट कर लें आप लोग। जल्दी नोट कर लें, चलो मैं वेट कर रहा हूँ 30 सेकेंड्स। हो गया, लिख लिया सबने, चलो उत्कर्ष आपने कुछ सवाल पूछा है। उत्कर्ष आते हैं, उत्कर्ष आपका सवाल रैंडम है, मैं बताता हूं। मेन पहले समझा देते हैं कि कैसे विंड पाइप काम करता है। चलो दो फिगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दो फिगर ध्यान से देखना। मैं अभी आता हूँ आपके सवाल का जवाब देता हूँ। चलो देखो, इधर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ये क्या ये फिगर दिख रहा है सबको? क्या ये सबको फिगर दिख रहा है? चैट में बताओ क्या सबको ये फिगर दिख रहा है? अब गौर से देखो कि आपके इस पूरे स्ट्रक्चर में दो बड़े पार्ट हैं। एक आपका वॉइस बॉक्स कह सकते हो या इसको लैरिंग्स कह सकते हो, और दूसरा उसके नीचे में क्या है, विंड पाइप है। क्या समझ में आ गया? क्या
कि मैंने क्यों लिखवाया है कि विंड पाइप के अपर एंड पे होता है, बोलिए विंड पाइप के अपर एंड पे होता है, क्लियर है। अब इसका जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो, ऊपर का पार्ट देख रहे हो, एपिग्लोटिस के पास का पार्ट देख रहे हो, ठीक है, उसको थोड़ा अलग व्यू में समझने की कोशिश करते हैं। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये विंड एपिग्लोटिस जो मैंने आपको बताया था, जो एपिग्लोटिस बताया था, वो ऊपर का जो पार्ट है, गले का हमारा एंट्री पॉइंट है, वो क्या होता है, वो गौर से देखिए, उसके पास एंट्री पे दो वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं। यही वोकल कॉर्ड्स एक तरीके का स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। जैसे ही इसके थ्रू एयर कॉलम पास करेगा विंड पाइप के थ्रू, ये क्या करेगा, ये अपने पॉइंट पे वाइब्रेट करेगा, और यही वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप गौर से देखो कहां पे है, आपके माउथ से गौर से देखो। अगर मैं एनोशंस को थोड़ा ऑन कर दूं, देखो एक बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि सारा पहले ये समझ में आएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। देखो यहां पे आपके माउथ के अंदर आते हैं पहले, देखो गौर से, मैं रेड मार्कर से शो कर रहा हूं, गौर से देखो, आपके गले का जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, ठीक है, एंट्री पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पे आपका वॉइस वोकल कॉर्ड्स है, जिसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कभी देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा गला थोड़ा खराब है, तो मैं देखो मेरा आवाज अलग निकल रहा है, क्यों? गला खराब का मतलब क्या होता है, आपके वोकल कॉर्ड्स ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर हो रहा है? मैं पहले इसका जवाब देना चाहता हूं, फिर आपका कफ हो गया, कई लोगों ने बोला, कई लोगों ने बोला कि खाना अटक जाता है, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि एंट्री पॉइंट अगर चोक हो गया तो उसके बाद एयर का पासेज कैसे नहीं हो पाएगा। कभी देखे हो, कभी गला खराब होने के बाद आप बोलते तो हो लेकिन आवाज में सिर्फ हवा निकलता है, होता है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू फेल दैट? कभी कफ में बोलना तो चाहते हो, अने टंग का जो यूज होता है वो कुछ, देखो साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन उस पर साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे बाहर आएगा, किस फॉर्म में बाहर आएगा, ये हमारे टंग और हमारे ओठ डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड तो प्रोड्यूस, अगर आप प बोलना चाहते हो, लेकिन अगर ये दोनों आपका नहीं सटेगा तो आप कभी प नहीं बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? क्या हमारे अपर पार्ट जो होते हैं, टंग, हमारे 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 टीथ के पार्ट होते हैं, हमारा जो लिप्स होता है, ये सब क्या करते हैं, हमारे ये सब हमारे साउंड प्रोड्यूस, साउंड की क्वालिटी में हेल्प करते हैं। खैर, एक सवाल पूछा है, सो व्हाई डंब कांट टॉक? डंब के लिए बहुत से रीजन होते हैं। पहला, वोकल कॉर्ड स्टिफ हो जाएगा। अगर वोकल कॉर्ड स्टिफ हो जाएगा तो कभी वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कि एयर कॉलम जाएगा जरूर, लेकिन एयर कॉलम की वजह से कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। Is it clear to all of you? क्या सबको समझ में आया? Epiglottis की बात जब होती है, epiglottis यहां होता है, exactly. Epiglottis यहां होता है। मैं अगर सिंपल epiglottis का मतलब समझाऊं तो ये आपके साउंड के सिस्टम का एंट्री पॉइंट है, एपिग्लोटिस, ठीक है। कभी यहां से बोलने की कोशिश करते हैं हम लोग, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं, क्लियर है? चलो, और कोई सवाल है इसमें? चलो, मैं हटा रहा हूं स्क्रीन को, मैं आ रहा हूं अपने डेस्कटॉप वाले स्क्रीन पे। सर, अगर वोकल कॉर्ड काम नहीं करेगा तो वॉइस नहीं, बिल्कुल नहीं अमृत, वोकल कॉर्ड काम नहीं करेगा तो वॉइस नहीं निकलेगा, लेकिन वोकल कॉर्ड के आज बहुत इलाज मौजूद है,
वोकल कॉर्ड को हम लोग उसमें उसको वोकल कॉर्ड के रिप्लेसमेंट तो मौजूद नहीं है, पढ़ा उसमें उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं कैंसर। कैंसर जब किसी को होता है तो कैंसर में सबसे ज्यादा, अगर मान लीजिए किसी को अगर माउथ कैंसर हुआ या किसी को इस तरह कैंसर हुआ, तो सबसे ज्यादा असर उसके वोकल कॉर्ड पे ही जाता है। कई बार तो वोकल कॉर्ड्स को निकालना भी पड़ जाता है। वोकल कॉर्ड का कोई भी जिंदगी से लेना देना नहीं है, इट इज नॉट अ लाइफ सेवियर, इट इज जस्ट यूज्ड टू स्पीक अप। ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसीलिए डॉक्टर्स प्रेफर टू रिमूव वोकल कॉर्ड्स, और मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ कैंसर थर्ड स्टेज में ये करना पड़ता है डॉक्टर्स को। ठीक है, बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यही पढ़ना चाहते थे, आज हमारा मकसद था साउंड क्या होता है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है इसको पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक कॉर्ड्स टाइट और लूज। ठीक है, व्हेन वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप और कॉर्ड्स। ये ज्यादा कुछ नहीं है, वोकल कॉर्ड्स आपको कुछ इस तरह का एंट्री पॉइंट दिख रहा था क्या? ये अगर टाइट हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर ये लूज हो जाएगा तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्लियर है। तो टाइट और लूज मतलब ये वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स को ही कहना चाहता है श्रेया। पूर्णिमा, जो लोग डम्ब होते हैं उनके पास वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, ये नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं उनके पास एक रीजन हो सकता है वोकल कॉर्ड्स का एब्सेंस। उनके पास, कुछ लोगों के पास पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स लैरिंग्स ही नहीं होता है, या खराब हो जाता है, या ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ लोगों के टंग ऐसी चीज है जो 90% चीजें जो हम बोल रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, तो टंग सेंसलेस हो जाता है कई बार, तो उसमें भी हम साउंड को लूज कर देते हैं या हम बोलने की कैपेसिटी लूज कर देते हैं। ये टंग के सेंसेस हमें बहुत कुछ बोलने में हेल्प करते हैं, सिर्फ वॉइस बॉक्स नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, वाइब्रेशन बंद हो गया तो साउंड भी बंद हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, कई लोगों ने सुना होगा आपने कि वो बोल तो पाते हैं पर क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है। वो बोल पा रहे हैं इसका मतलब उनका वॉइस बॉक्स ठीक है, उनका दिक्कत कहां पे, उनके टंग में दिक्कत है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हो गया कहानी खत्म, बोलो बच्चों समझ आ गई। आज हमने बहुत बेसिक पढ़ा है, अगले दिन लोग कहूत कर पाएंगे थोड़ा, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज वीडियो नोट सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, और एक सवाल पूछा था आप लोगों ने कि सर बाकी लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हो गया, मेरा नहीं शुरू हुआ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर पेरेंट्स कंसेंट। बच्चों, आप लोगों के पेरेंट्स अभी तैयार नहीं थे, हमने आप लोगों के पेरेंट्स से बात किया, काफी लोगों ने बोला कि कुछ दिन रुक जाइए, हम इसी वजह से रुके हैं, बाकी सारी क्लासेस का ऑफलाइन शुरू हो गया, सिर्फ आए आपके। We also want, अरे बिल्कुल इतना ही है ना, बिल्कुल अगले दिन हम प्रोपेगेशन, नहीं कहो थोड़ा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही कर पाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मैंने कहूँ देखा था थोड़ा और कहूँ के लिए हमें क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। खैर, सत्यम स्टिल वेटिंग, सत्यम हम लोग वी विल स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, सिवाय हम थोड़ा और कंडीशन को लाइटन होने दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग, क्योंकि आप सबसे छोटे हो, आप लोग 8th क्लास में हो, इसीलिए हमने उसको डिले किया है प्रोसेस। उत्कर्ष, बोले उत्कर्ष। और सर इस वीक का जो हमारा ग्रुप पर रूटीन आया है उसमें सर सिर्फ फ्राइडे तक का ही जो भी सब्जेक्ट शो हो रहा है, फर्स्ट सैटरडे को हम लोग का क्या होगा? सैटरडे को कुछ नहीं है, सैटरडे को जनरली आपका ऑफ रहता था, ऑनलाइन में आपकी चल रही थी क्लासेस सैटरडे को, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग आपको ऑफलाइन में कोई डाउट्स वगैरह तो आपको बुलाएंगे, तो सैटरडे को आपको डाउट्स के लिए हम टाइम देंगे, आप सेंटर पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी टीचर विल बी अवेलेबल। ठीक है, ओके सर, ओके ओके बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे, यू कैन लीव। ठीक है, आपको ग्रुप पे नोट्स तुरंत अपलोड हो जाएगा, श्रेया डोंट वरी,
जरूरत नहीं है इसकी, आपको नोट्स हम अपलोड कर देते हैं. हैव अ नाइस डे. नहीं कौशिक, डाउट हो तभी आइए, डाउट होगा तभी आइए. श्रेया अनम्यूट कर रहा हूं. श्रेया नोट्स अपलोड कर दे रहा हूं. ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट श्रेया? ओके बाय बाय. अरे होमवर्क ग्रुप पे डाल देता हूं. ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे.